कहीं आप दर्द से परेशान तो नहीं? घुटनों में दर्द, सूजन व पैरों में टेढ़ापन, रीढ़ या कमर का दर्द, कूल्हे की तकलीफ या ठीक से ना चल पाना, हड्डी रोगों से संबंधित सभी समस्याओं के विश्व स्तरीय इलाज एवं सुविधाओं के साथ ग्लोबस ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश का पहला एकमात्र एक्सक्लूसिव ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। विशेषज्ञ डॉक्टर आर के सिंह, विशिष्ट दवाओं से लेकर आधुनिक जोड़ प्रत्यारोपण आदि के लिए ग्लोबस ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल, 117/N/33 A1 मार्केट, काकादेव, कानपुर। जब आप जवान होते हैं तो आपका शरीर मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है, शरीर कमजोर होता जाता है और आपका शरीर उम्र के साथ दौड़ लगाने के लिए संघर्ष करता है। ज्यादातर दर्द का वार उस जगह पर होता है जहां आपको सबसे अधिक कष्ट होता है, आपके घुटनों में। दर्द दिन पे दिन बढ़ता चला गया, कभी कभी तो रात के अंदर इतना भयंकर दर्द उठता था कि मेरे से सोते रहना पॉसिबल नहीं हो पाता था। दर्द तो बहुत होता था, सोते बैठते उठते चलते, हालांकि लेटती थी तो किसी भी पोस्चर में लेटूं पेन होता था। सालों इस्तेमाल के बाद घुटने जवाब दे ही जाते हैं। घुटने में दर्द की कई वजह हैं, पर नतीजा एक ही है, आसान से आसान काम करते वक्त भी भयानक दर्द। गठिया के बारे में सबसे आवश्यक चीज ये समझने की है कि अभी तक मनुष्य के घुटने इतने विकसित नहीं हुए हैं कि वो उसकी उम्र के साथ 100 साल तक उसी तरह से कार्य करते रहें। जो घुटने के अंदर की सतह होती है वो एक तरह के कार्टिलेज द्वारा ढकी होती है। धीरे धीरे ये घुटने की कार्टिलेज की सतह घिसना शुरू हो जाती है और गठिया में खुरदरी हो जाती है। कई बार उसके नीचे की हड्डी की सतह भी घिस जाती है और घुटने टेढ़े होने का भी डर होता है। आर्थराइटिस के बाद आप देख सकते हैं कि घुटने की एक आर्थराइटिस का मॉडल ये है। तो धीरे धीरे घिस जाने से पूरी कार्टिलेज की सतह खुरदरी हो गई है, इवन पैर की हड्डी के कार्टिलेज के नीचे की हड्डी भी घिस गई है, नीचे गड्ढा हो गया है। ठीक इसी प्रकार से हमारे घुटने प्रभावित हो जाते हैं और जब भी हम खड़े होते हैं, चलते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल या दर्द करते हैं। एक्चुअली मेरे को ये 94-95 से प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसी लिए स्लोली स्लोली ये जो मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई और मेरी एक्टिविटी में ढीलापन आता रहा, क्योंकि पेन तो मेरी बड़ी होती थी बिल्कुल, तो मेरी लाइफ दिन ब दिन नीरस होती जा रही थी। कि नी सर्जरी में मुझे यही लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी के बाद भी ये मेरी तकलीफ और ना बढ़ जाए, ठीक इम्प्लांट बैठे ना बैठे। If you really ask me, मैंने तो ये सोचा जो पेन से मैं अब गुजर रही हूँ उससे तो बेटर नहीं होगा, जो भी कुछ होगा चाहे अच्छा हो बुरा हो, मैंने ये सोचा। घुटनों की सर्जरी काफी पेचीदा काम है, फिर भी प्रशिक्षित और तेज हाथों द्वारा ये काम भी उतना मुश्किल नहीं है। उन दिनों में तो इतनी केयर होती थी कि हम कहते थे कि एक्सरे के लिए मैं पैदल चली जाऊंगी तो वो कहते थे नहीं चेयर पर ही जाना है। जैसे कार में हम आते थे जाते थे तो वो चेयर से ही ले जाते थे और डॉक्टर भी हाथ पकड़ के बैठा देते थे, लटा देते थे। मैंने 2 महीने हॉस्पिटल से नर्स आती थी यहाँ 1 घंटे के लिए, पूरी एक्सरसाइज कराती थी। एक जब मैं यहाँ घर आई थी लौट के तो उसने मुझे एक मंजिल तक चढ़ा दिया था और उतार दिया था, फिर कॉन्फिडेंस गेन हुआ था। यहाँ पे भी रोज आती थी, एक मंजिल ऊपर ले आती थी फिर नीचे लाती थी। शुरू शुरू में तो दर्द होता था चलने से भी और फिजियोथेरापी से तो बहुत ही होता था, लेकिन वो फिजियोथेरापी वाले डॉक्टर भी कहते थे कि आंटी एक दिन का दुख और 100 दिन का सुख। घुटना प्रत्यारोपण के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो इस विषय में ये समझ लेना चाहिए कि जो जनरल लोगों का इंप्रेशन है कि घुटना प्रत्यारोपण में नीचे की हड्डी काट के हटा देते हैं, ऊपर की हड्डी या जोड़ काट के हटा देते हैं और कृत्रिम जोड़ लगा देते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। इनफैक्ट घुटना प्रत्यारोपण में सिर्फ हम खराब